चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश जी। अपने लंबे पत्रकारिता करियर में सुरेश जी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना अहम योगदान दिया है। साथ ही हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब मौजूद हैं। सुरेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस बात को इन्होंने रखने की कोशिश की है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कि हमने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, अब यहां से तृणमूल कांग्रेस कहां जाएगी? नहीं, बिल्कुल उन्होंने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है। वो उनके लिए तो जनता की अदालत में उनका इंतजार हो रहा है। वो आज के तारीख में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, समस्त देश में उनका स्वागत किया जाएगा। आज उन्होंने जो फैसला लिया है, उन्होंने जो कहा उसको कर दिखाया। बहुत सारे अटकलें चल रही थी कि इन तीन दिन के अंदर क्या होगा, इन तीन दिन के अंदर शायद कोई समझौता कर लेंगे, और इन्होंने साबित कर दिया कि ये इन्होंने जो घोषणा किया है जनता के हित में, जो उनके हिसाब से जनता के हित में रहा, उस मुद्दे पर वो अटल रहे। और मुझे लगता है कि इससे तृणमूल की साख बहुत मजबूत हो गई है, काफी बढ़ गई है लोगों के, जनता के समक्ष। उनको लगता है कि दीदी का एक इमेज था जो मर्कुरियल बदलाव का, कि ये कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, मुझे लगता है कि इनका पूरे छवि का एक परिवर्तन हुआ है। सुरेश जी, लेकिन आज पूरे एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो पश्चिम बंगाल की सीमाओं के अंदर ही खत्म हो जाता है। हमने ये जरूर देखा कि यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ से अभी मार्च से जब चुनाव हुए तो इक्का दुक्का आपको विधायक सांसद मिल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े इनकी पार्टी के बैनर पे, लेकिन ओवरऑल राष्ट्रीय इम्पैक्ट तो उस पार्टी का नहीं है। राष्ट्रीय इम्पैक्ट पार्टी का आपको पता चलेगा 2014 के चुनाव में, या उससे पहले अगर चुनाव होता है तो उसमें क्या इनके इस फैसले के बाद क्या वामपंथी दलों का कोई वजूद रहेगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि वामपंथी दल अगर बंगाल में खत्म ही हो गए तो उनका राष्ट्रीय स्तर पर ये आपका जो पूरा तीसरा मोर्चे का एक परिकल्पना जो है वो काफी कुछ आधारित है या निर्भर है आपके वामपंथी दलों पर। अगर वामपंथी दल का ही सफाया हो गया पश्चिम बंगाल में तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद ये तीसरे मोर्चे का जो है कोई संभावना कहीं भी आपको इवन चर्चा में भी होगी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय ना समझें, और जो परिणाम पश्चिम बंगाल से आएंगे, आने वाले जो 2014 में जो नतीजे हैं उस पर भी इनकी काफी अहम भूमिका रहेगी तृणमूल कांग्रेस की। अगर इस बार 19 के साथ है तो आने वाले दिनों में जो है उससे ज्यादा संख्या के साथ जो है उनका जो है एक केंद्रीय राजनीति में उनका एक दखल जरूर रहेगा। इस बात को सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा भी है। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बहुत जरूरी बात जो मुकुल रॉय ने कही कि उन्होंने राष्ट्रपति से ये गुजारिश की है कि FDI के मुद्दे पर वो सदन में वोटिंग होनी चाहिए कि कौन सी पार्टियां उस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी हैं और कौन सी नहीं खड़ी हैं, क्योंकि बहुमत अगर साबित करना होगा, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव होगा तो उस पर सरकार आगे बढ़ जाएगी, उसको हो सकता है कि समर्थन मिल जाए, लेकिन जिस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया है शायद तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है कि इस समय सबसे बेहतर ये एक मुद्दा है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किस दल में क्या चल रहा है। जी नहीं, मुझे तो लगता है कि मुकुल रॉय साहब ने जो नहीं कहा वो ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति साहब को ये भी याद दिलाया होगा कि कुछ ही महीने पूर्व जब वो नेता सदन थे तब उन्होंने सदन को ये आश्वासन दिया था कि FDI के मुद्दे पर जो है एक राष्ट्रीय सहमति बनाएंगे, उसका प्रयास करेंगे, सभी दलों से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही FDI को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये एक आश्वासन संसद को दिया था। और उसी आश्वासन को जो है मुकुल रॉय साहब ने आज डिमांड रखा है कि आप जो है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई विषय अगर पूरे देश को उद्वेलित करता है तो उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुकुल रॉय साहब ये भी जानते हैं कि भले बहुमत के मुद्दे पर जो है सरकार बहुमत संख्या जुटा पाए, लेकिन अगर इस विषय पर चर्चा हुआ तो शायद सपा को लिए और बसपा के लिए भी बड़े दुविधा में पड़ जाएंगे कि सरकार को कैसे इस मुद्दे पर समर्थन करें। सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस बात को सरकार बहुत पुरजोर तरीके से रख रही है कि जो उसने फैसले लिए हैं इसका जो असर है वो जनता को आने वाले समय में दिखने लगेगा। हम सिर्फ आज को ही देख लें
5% विदेशी कर्ज जो सस्ता किया है उसमें छूट दिए कंपनियों को, शेयर बाजार 400 अंक ऊपर चला गया। दोपहर आते आते उन्होंने कह दिया कि कस्टम और एक्साइज ड्यूटी हम जो सातवां सिलेंडर है वहां से हटा रहे हैं, 140 रुपए का फर्क पड़ गया। तीन सिलेंडरों की सब्सिडी की बात सोनिया गांधी की वजह से उनकी सरकारों को मैसेज पहुंच ही चुका है। तो ऐसा है कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं उस पर अपनी तरह की एक चाशनी लपेटने का भी काम उसने साथ साथ शुरू कर दिया है, और शेयर बाजार जिस तरीके से ऊपर नीचे होता है, जिस तरीके से उसमें सांसें फूंकी जाती हैं, वो हम सब जानते हैं। तो क्या यह माना जाए कि सरकार के पास भी कोई योजना है, वो जानती है कि उसे क्या करना है अगले कुछ महीनों में सालों में? नहीं, सरकार तो जो कर रही है उस पर उसको विश्वास है, तभी तो वो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कितना सही है गलत है उसको जनता कैसे लेती है वो उस पर निर्भर करेगा कि ये सरकार वापस आती है या नहीं। देखिए, बड़ा अहम चीज यहाँ है कि यहाँ सरकार ने आश्वासन तो दिया है। अब आप अगर देखेंगे सिंगल ब्रांड के रिटेल का हम एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, आपने कहा था 30% का मैंडेटरी आउटसोर्सिंग लोकल होगा, यानी कि स्थानीय जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है उनसे आप जो है 30% ये जो विदेशी कंपनियां हैं अपना जो है माल खरीदेंगे। आपने उसी क्लॉज को अभी कितने दिन हुए हैं, आपने उसी क्लॉज को आइकिया जैसे कंपनीज के दबाव में आकर जिन्होंने कहा ये हमें मंजूर नहीं है, उन्होंने उसी शब्द का परिवर्तन करके क्लॉज को आपने मैंडेटरी से प्रिफर्ड में कर दिया है। इस बात का क्या गारंटी कि आने वाले दिनों में जो एफडीआई में जो प्रावधान बताए जा रहे हैं कि हमारे फायदे में है, किसानों के फायदे में है, जो आउटसोर्सिंग की बात कही जाती है, कोल्ड स्टोरेज की बात कही जाती है, ये सब बातों में कल को यही सरकार अपने क्लॉजेस बदल नहीं देगा, इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि आपने सिंगल ब्रांड रिटेल में आपने बदल दिया है ऑलरेडी। तो इसमें साख का सवाल है कि विश्वसनीयता का सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार की तरफ से कौन गारंटी लेगा? सुरेश जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए 2014 में सरकार इनकी नहीं बनती है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, उससे मैंडेट नहीं मिलता है, तो क्या हम ये माने कि दो साल में सरकार इस पूरे मुद्दे पर जितना आगे बढ़ चुकी होगी, जिस तरीके से कंपनियां आ चुकी होंगी, वो अपनी दुकान सजा रही होंगी, वहां से पीछे कौन मुड़ के आ पाएगा, और आ पाएगा तो कितना आ पाएगा? नहीं, वाकई देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। आज हमें याद है कोक और पेप्सी का कितना विरोध होता था इस देश में, आज वही दल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही बांटते हैं। तो धीरे धीरे एक बार आ गया तो फिर इनका वापस जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे कम से कम हमारे देश के इतिहास में ऐसा कोई इंस्टांस नहीं तो हुआ है। फिर बात वहीं घूम के आ जाएगी कि अगर अब वापस नहीं जा सकते हैं तो इट मींस कि इन पार्टियों के पास कोई ऐसा एजेंट, कोई ऐसा प्लान नहीं है जो उस योजना को वहां से रोल बैक करा पाए। तो फिर कांग्रेस कहेगी कि देखिए हमने जो किया था अब उससे यहां तक आ गए, हम ही को वोट दीजिए ताकि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकें, इस प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ा सकें, वरना देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और जो लोग जहां हैं वहां से भी पीछे चले जाएंगे। इसीलिए इसको आगे बढ़ाने का पूरा जो दायित्व है, जिम्मेदारी जो है, वो इनके माथे जो आज समर्थन कर रहे हैं इन सरकार की, इन्हीं के ऊपर जो है लोग लगाएंगे कि आप ही के वजह से जो है ये आगे बढ़ा है, वरना इसको आप रोक सकते थे, आप चाहे तो आप रोक सकते थे, आप रोके नहीं, तो इनके ऊपर ही सारा जनता का जो है गुस्सा आएगा। लेकिन मैं साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि कांग्रेस की रणनीति में सिर्फ एफडीआई को आगे करना या सब्सिडी को कम करना ही इनकी रणनीति में होगा। आने वाले दिनों में ऑलरेडी मीटिंग तय हो चुकी है टीआरएस के नेता और यूपीए के अध्यक्षा के बीच में, आप देखिए कि तेलंगाना क्रिएट किया जाएगा आने वाले दिनों में, और ऐसे सरकार बहुत सारे फैसले लेंगे जिससे उसका प्रयास रहेगा कि चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हो या जातीय मुद्दों पर हो या मजहबी मुद्दों पर हो, इस तरह के मुद्दे उठाए, इस तरह के कानून लेके आए, इस तरह के नए नए स्कीम्स लेके आए जिसके तहत वो ये जो इस वक्त एक आम सहमति बनी हुई है उसको तोड़ने का प्रयास करें। इसलिए ये एक व्यापक रणनीति के अंदर बहुत सारे फैसले होने वाले हैं। इसको सिर्फ ये समझ कर कि एफडीआई और डीजल का दाम बढ़ा के सरकार बैठी रहेगी, ये भी एक कैलकुलेशन में बड़ी गलती होगी अगर विपक्ष ये समझ रही है। तो अभी तेलंगाना राज्य भी बनने का है उम्मीद, और भी सांप्रदायिक वाला कानून
भी बनेगा और राइट टू फूड बिल भी आएगा। अभी आप देखते रहिए, बहुत व्यापक तरीके से रणनीति सरकार के, सरकार ऐसे नहीं बैठी रहेगी। ये देखने वाली बात है कि कितना विपक्षी दल जागरूक रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखते हैं। ये एक बड़ी बात है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में एफडीआई का, उन्होंने कहा है कि इसके रिटेल स्टोर हम नहीं खुलने देंगे, हम एफडीआई को उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। तो एक हिस्सा तो ये है। दूसरा जो फैसला सरकार ने लिया है, उसने ये कहा है कि केंद्र ने अपना फैसला ले लिया और बाकी की चीजें राज्यों पर छोड़ दी हैं। इसका एक मतलब ये भी तो है कि हमने कंपनियों से जो हमारा मामला था वहां तक हमने निपट लिया, जो कुछ हमें करना था वो हम कर चुके। अब कंपनियों के लिए भी यह हिदायत है कि भाई राज्य सरकारों के पास तुम जाओ, तुम उन्हें पटाओ या उनको समझाओ या उनको मनाओ और अपनी दुकान खोल लो। बिल्कुल, एनेबलिंग क्लॉज जो दिया है उसके तहत जो है राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो लें या ना लें, लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म आप प्रभाव देखिए कि सरकारें तो बदलती रहेंगी, लेकिन एक बार आ जाए तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त समझ लीजिए कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो उसका विरोध कर रही है। कल को बीजेपी की सरकार नहीं रहती है, विरोध कर रही है। और या इसी तरीके से कांग्रेस का कोई सरकार है महाराष्ट्र में, है महाराष्ट्र में उन्होंने अलाउ कर दिया, कल शिवसेना बीजेपी की सरकार आ जाती है वो विरोध कर रही है, तो फिर क्या होगा? वो तो नहीं वापिस कर सकते हैं। तो एक बार ये एक फेट अकम्पली है, एक बार अगर हो गया तो इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं एक फैसले को, क्योंकि फिर अंतरराष्ट्रीय कमिटमेंट होता है और एक देश का जब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होता है तो उसमें वापस जाने से देश की बहुत फजीहत होती है। इसलिए इंप्लीमेंट करने से पहले जो विरोध होता है, जो फैसला लेना होता है, वो इंप्लीमेंटेशन से पहले होना चाहिए, उसको अमली जामा पहलाने से पहले। इसीलिए सरकार के लिए, इसीलिए सरकार इतनी जल्दबाजी में है। अगर आप देखेंगे कि घोषणा के 2-3 दिन के अंदर ही अभी इन्होंने मतलब आपके तृणमूल के मंत्री इस्तीफा भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार में रहते हुए एक बार इसका अमली जामा इसको पहना दिया फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कि अगर उठा के अगर सरकार ने तय कर लिया जो भी दूसरा एक सरकार आती तो है, जो बात तो कही जा रही है, अंतरराष्ट्रीय बहुत बदनामी आकर के यही सवाल है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को रखा जा रहा है, जिस तरीके से एक एक कदम कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, तो ये बात कहां तक रह जाएगी कि 2014 में उसकी सरकार उसको नुकसान होगा? क्योंकि अगर नुकसान होना है तो आज होना है, कल किसने देखा है फिर उस हिसाब से, क्योंकि जनता भी इस बात को आज नहीं कल समझ लेगी कि 2014 में अब वो जो हो चुका वो तो हो चुका, अब उसके बाद क्या। और देखिए एक और चीज है इसमें, 2014 तक ऐसा नहीं है कि 1.5 साल के अंदर सेटअप हो जाएगा, 1.5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर जो है वॉलमार्ट और बाकी लोग जो है 1.5 साल के अंदर पूरे बड़े बड़े इतना पहुंचा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, किराने के एक एक छोटे दुकान बंद कर देंगे। लेकिन आपने एक फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, ये हो सकता है 10 साल के अंदर हो। ये जो नुकसान 5 करोड़ का जो मुलायम सिंह कह रहे थे और बाकी जो आंकड़े अनुमान लगाया जा रहा है, ये कई वर्ष लगेंगे, लेकिन आपने एक बार दरवाजा खोल दिया, स्लूस गेट्स खोल दिए, तो बाढ़ की पानी तो अंदर आ गई है। अब वो कितना डूबती है, कितना समय लगाती है गांवों को डुबाने में, ये तो बात की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का भी हिसाब किताब में कहीं ये है कि जब तक ये सब वॉलमार्ट वगैरह होगा, जब तक दुकानें एक बार खुल तो जाए, पहले बड़े बड़े शहरों में होगा जिससे उतना असर नहीं दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा, तो तब तक तो चुनाव भी हो जाएंगे। अच्छा, मुझे यह भी उम्मीद है कि कहीं आने वाले दिनों में सरकार, जैसे चुनाव के तारीख नजदीक आएंगे, तो तब तक जो है सरकार दामों में भी कमी कर देगी, तब तक जो है ये जो जितने अभी जो रोल बैक की बात हो रही है वो उस वक्त रोल बैक भी हो जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान बिल्कुल नहीं, तो चाहे आप कहते हैं कि मार्केट डीरेगुलेट हो चुका, लेकिन आप पेट्रोल के दामों को आपने रोके रखा जब तक संसद चल रहा था। तो इसी तरीके से मुझे है कि सरकार उस वक्त जो है एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट करके बिल्कुल उसको रोल बैक कर लेगी और लोगों तक, अब ये लोगों के ऊपर भी है, ये विपक्षी दलों के ऊपर भी है कि वो इस मुहिम को कितना बनाए रखना चाहती है, किस तरीके से लगातार। लेकिन इस सरकार ने देखिए आपने कितने चतुराई से पूरा कोयला गेट का जो पूरा मामला चल रहा था उससे आज देश का पूरा जो है विषांतरित कर दिया है। आज कोई भी कोयला घोटाले की बात ही नहीं कर रहा है, आज एफडीआई की बात कर रही है, डीजल की बात कर रही है। उस वक्त ये सरकार ऐसी चीजों को लेकर आ जाएगी जिससे जो है चर्चा आपका इन सबसे हट जाएगा। तो
तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा उस वक्त अगर तेलंगाना की बात आ जाएगी या और भी बड़ी बड़ी बातें कुछ आ जाएगी, कोई और कानून आ जाएगा इस तरीके से जिससे पूरा इस देश का जो है अभी अगर आपने सांप्रदायिक बिल जो कम्युनलिज्म बिल जो जिसका पूरा चर्चा चल रही थी अगर वो लेकर आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ बीजेपी हो जाएगा और दूसरी तरफ सभी सेक्युलर दल हो जाएंगे। तो ये तो सरकार मुझे लगता है कि बहुत बड़े एक व्यापक रणनीति के तहत काम कर रही है, इसलिए अंडर एस्टिमेट सरकार को नहीं करना चाहिए इसमें, कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चुनाव हो जाए तो शायद लेकिन आज चुनाव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये राव साहब से भी समझते हैं, राव साहब ऐसा लगता है कि जैसे बाकी जो विपक्ष है या जो सरकार के सहयोगी दल भी हैं जो इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं उन सबको पता है। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है इसलिए हमने जो है सरकार का समर्थन देने का फैसला किया है ताकि बीजेपी ना आ जाए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरीके की हो सकता है दो चार दस दल ऐसे और हों जो इस तरीके की बातें कर रहे हो, वो बीजेपी को छूना नहीं चाहते, लेकिन सवाल यह है कि अगर दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस ने भी जो पोस्टर लिया है कि अगर हमारे साथ नहीं तो फिर आप बीजेपी के साथ हो, ये तय मान लो। तीसरे मोर्चे की बात मुलायम सिंह खुद भी खुलकर नहीं कह रहे, उनसे पूछा गया कि लीड होगा नहीं होगा जबकि प्रकाश करात कल कह चुके हैं, तो ये अपनी तरह से जो विरोध कर रहे हैं उनके भीतर भी कॉन्फिडेंस कम है। नितिन गडकरी ने तो कल यहां तक कह दिया जंतर मंतर पर ये बात कह दी कि अगर बाकी दल आगे बढ़कर लड़ना चाहते हैं लड़ें, हम पीछे खड़े हुए हैं। तो ये किस तरीके का विपक्ष है, ये किस तरीके की सरकारें जो राजनीतिक दल हैं वो अपना पोस्चर बना के खड़े हैं। पहले मैं जिक्र कर दूं रोल बैक का, एनरॉन का क्या हुआ, महाराष्ट्र में एनरॉन कांग्रेसी राय बाल ठाकरे ने स्वीकार किया, बाद भगा दिए गए, तो उदाहरण होते हैं अपने समय समय के। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये और सुरेश ने भी कहा है, मुद्दा उस वक्त क्या होता है चुनाव के पहले, चुनाव के पहले के 3 या 6 महीने बड़े क्रूशियल होंगे उस वक्त क्या बात उठती है, और तब अगर ये विपक्षी दल अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके FDI की उस जमाने में होने वाले बुरे असर को प्रचारित करके चंद चुनावी मुद्दा बनाते हैं तब तो बात कुछ बनती है, वरना फिर कहाँ क्या किस बात पर वोट पड़ेंगे कहाँ क्या होगा, ये तो अभी कहना तो बहुत जल्दी होगा 2 साल के अंदर। जी राव साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सुरेश जी भी बने हुए हैं, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।